मुरादाबाद जिला कलेक्ट्रेट पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कई संगठनों ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कर्मचारी शिक्षक अधिकारी और पेंशनर्स अधिकारी मंच समेत राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेतृत्व में कई विभागों के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों की बाइक रैली विरोध जताते हुए शहर के कई इलाकों से होकर निकली और पीली कोठी चौराहे होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी धर्मपाल सिंह ने कहा कि ये प्रदर्शन पूरे राज्य के सभी 75 जिलों में प्रथम चरण का आंदोलन है। उनकी मुख्य मांग पुरानी पेंशन बहाली की है, जो साल 2004 में सरकार ने बंद कर दी थी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आगामी 28 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट पर एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। फिर भी मांगे नहीं मानने पर 30 नवंबर को लखनऊ स्थित इको गार्डन में सरकार विरोधी विशाल रैली का आयोजन करेंगे, जिसमें राजधानी की सड़कों को बंद किया जाएगा। मुरादाबाद से अमृत विचार के लिए अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। इसका उद्देश्य यही है सर कि हमें जो है पुरानी पेंशन बहाल चाहिए, क्योंकि हमें हमारे बच्चों का भविष्य भी सुधारना है। जो हमारे माँ बाप हमारे लिए नहीं कर पाए हैं, वो हमें हमारे बच्चों के लिए करना है। हमारे बच्चों के लिए आगे का भविष्य सुधारना है, क्योंकि हम आज जो मेहनत कर रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि हमारी मेहनत अधूरी रह जाए और हम सिर्फ एक सैलरी बेस पे रह जाएं। हमें एनपीएस दिया गया है, एनपीएस के बेस पे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकार की नीति है, उसे हम नहीं कह सकते, वो बदल सकती है, कुछ भी कर सकती है वो। बट जब ऊपर सब जगह पे पेंशन पुरानी पेंशन चल रही है, तो हमें यहाँ पर भी पुरानी पेंशन चाहिए। आज कर्मचारी शिक्षक अधिकारी एवं पेंशनर्स अधिकार मंच उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में ये पूरे राज्य के 75 जनपदों में आज ये प्रथम चरण का आंदोलन है, मोटरसाइकिल रैली है। सर्वप्रथम तो हमारी सबसे जो मांग है, मेन मांग है, वो पुरानी पेंशन बहाल हो, जो 2004 के बाद इस सरकार ने बंद कर दी थी। हमारी सभी शिक्षक और कर्मचारियों की मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। नहीं करेंगे तो हम 28 तारीख को यहीं जिलाधिकारी कार्यालय पर एक दिवसीय धरना देंगे। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो 30 नवंबर को इको गार्डन लखनऊ में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा और लखनऊ की सड़कों को पाट दिया जाएगा, जाम कर दिया जाएगा। मांगे सबसे मेन मांग है पुरानी पेंशन। कई वर्षों से मांग कर रहे हैं, 2018 में मांग की, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है, हठ धर्मता अपनाए हुए है। 5 लाख शिक्षक हैं, बाकी सब कर्मचारी हैं, सभी का है, सभी का 1.5 साल का डीए सरकार खा गई, पुरानी पेंशन सब खा गई, आउटसोर्सिंग से भरने की तैयारी चल रही है। इन्हीं तमाम मांगे हैं, हर विभाग की अलग अलग मांगे हैं। सभी मांगों को लेकर शिक्षक कर्मचारी अधिकारी पेंशनर सभी आंदोलनरत हैं।